अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह व बरकातहू। आप देख रहे हैं निगेबान पाकिस्तान, मैं कुर्बान इमरान खान। पॉलिटिक्स, डर्टी पॉलिटिक्स तो चलती रहनी, जब हम में ही कसूर है। मैं 24 करोड़ तो नहीं कहता, कम से कम 15 करोड़ तो अपने गिरेबान पे जाके तो उसको पता लग जाएगा कि यार वाकई ये तो जो अजाब हमारे पे नाजिल है मुनीर ढक्कन का, तो ये हमारी करतूतों की वजह से ही है। अच्छा जी, फिर जरा सा आपका ये मूड ठीक करना था इस वाले से। ये आप खुड़खुड़ की आवाज़ जो सुन रहे हैं ना, ये कूड़ा जो होता है ना, कूड़ा वो निकालने की ट्रक आता है, कंटेनर होता है बड़ा बड़ा, ड्रम ड्रम जितना। क्रिसमस की वजह से, न्यू ईयर की वजह से स्टाफ छुट्टी पे गया हुआ था, जिसकी वजह से वरना हफ्ते को एतवार को ये काम ये नहीं करते। और इसमें जो ज़्यादातर पोलैंड के हैं आए हुए, चाहे तो जो पहलवान भी बड़ा खाते हैं शौक से, वो तो बड़े सख्त जान होते हैं। ये मिलता है इनको 16 यूरो घंटा। तो बस जब चलता है ना तो फिर स्टाफ टू कोई नहीं, फिर तो भागे जा रहे, ट्रक चलता जा रहा तो उसके ऊपर लादी जा रहे हैं, ऊपर जाके क्रेन ऊपर जाके यूं यूं करते खाली। तो फिर ये चाधिपति आगे, फिर ये जनाब अली वो करते हैं। तो ये वो शोर है इस वक्त, बजे हैं जी सूरज निकलने में भी पूरा ठीक 1 घंटा 36 मिनट है, अंधेरे में लगे हैं या दिन रात का कोई चक्कर नहीं। अच्छा जी, हमने ये बात करने के पहले दिखाते हैं ये वाला, आपने अक्सर देखा हुआ होगा, ये पुठा आपको नज़र आ रहा है, ISO मुख्तलिफ जगह के ऊपर प्रोडक्ट के ऊपर होता है, जो है ना प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट के ऊपर होता है, खाने वाली चीज़ों के ऊपर होता है, वो कहते हैं ISO। इसका जनाब अली ये नॉन जो है ना, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, इसका बनता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन। इनका मेयार होता है, वो आगे जाके आपको बताते हैं, पहले इसका बता देते हैं। ये 1923 फरवरी 1947 को 76 साल पहले बने थे। अच्छा जी, फिर क्या है जी, इसका जो जिनेवा में हेडक्वार्टर है जी, 168 मुलक हैं इंक्लूडिंग पाकिस्तान इसमें शामिल हैं, 39 कारस्पोंडेंट हैं और 4 सब्सिडरी मुख्तलिफ दुनिया में इन्होंने बनाई हुई। इनकी ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश, फ्रेंच और रशिया। 1947 से आज तक केस किया हुआ स्पेन ने इनके ऊपर कि बोली तो हमारी सबसे बड़ी थी, तो हम ये फ्रेंच को क्यों लेके आए। उस वक्त चलता था ना फ्रेंच रेवोल्यूशन वगैरह वगैरह, तो अभी भी जो स्पेनिश है ना सबसे ज़्यादा दुनिया में क्वांटिटी के हिसाब से बोली जाती। ये तो हो गए थे, उसकी जो मौजूदा सरबरा ओरिका फ्रेंके आओ नामों में लगे ना दी, तो ये स्वीडन की है, ये स्वीडन की है और ये इंजीनियरिंग में मास्टर इसने किया हुआ है। अच्छा जी, इसी वजह से उसको लगाया हुआ इससे जी। और मैंने ये कोर्स किया था, बड़ी मेहनत है, शाखा से, और पाकिस्तान में जो सबसे हीटर चला रहा हूँ, ऊँची बोल रहा, सबसे ज़्यादा जो जिसका ISO माना जाता है, जिस ऑडिट कंपनी का, वो फोर्ड फर्गोसन है, तो मैं वहाँ मुलाजम था। उनकी मेहरबानी तो गोरे की है, लेकिन उसमें ओवरऑल कंट्रोल एक समझ तो गए होंगे। आहो अच्छा जी, बात वो राजे आदल पे ना जाना, वो दे दिया, उसने स्टोरी भी बना के दे दी किस तरह वो गुंडा लेके गया, इमरान खान का खाते छुपवाया, वो बकवास कर रहा है, झूठ बोला, कूट पे अपने दा। ISO क्या कहता जी, आपने कल क्या किया था, मिसाल दे रहा हूँ, एग्जैक्ट मिसाल। तो आप कहेंगे यार सवेरे उठा नहाता धोता नाश्ता किया तो चला गया काम ते, ना 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 ना, ISO ये नहीं कहता। ISO कहता है कि आप सुबह, आपको उठाया आपकी बेगम ने, आपने उसकी चुम्मी ली, आपको उठाया आपकी अम्मी ने, आपने अम्मी का हाथ चूमा, आपको उठाया आपकी बेटी ने, आप उसके सर पे हाथ दिया, आपको बेटे ने उठाया, भाई ने उठाया, ये उसके SOPs हैं। हाँ जी, ISO के
फिर मैं उठा तो जूती पहनी तो बाथरूम गया, वहाँ जाके मैंने पेस्ट वगैरह किए, नहाता धोता वापस आया, नाश्ता अम्मी ने लगाया हुआ था, नाश्ता बिब बांधा यहाँ से नाश्ता किया, या बेगम ने लगाया हुआ था, तो फिर मैं करके, तो ये कहता है ISO कि इस तरह करे, ये वाला उसका स्टैंडर्ड है, वरना तो वो अंगड़ाइयाँ लेट दे उस ऐसे नहीं। हर चीज़ प्रोसीजरल चलनी है, प्रोसीजर के हिसाब से इसको लफज है उसका डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंटेटेड वाइज चलना है। मसलन कि आपने कोई चीज़ परचेज की है, उससे पहले आपने 3 कंपनियों के टेंडर दिए थे, उनमें से जो आपको वारा खाता था या जिसकी क्वालिटी अच्छी थी या जिससे बारगेनिंग की है, वो आपने 7 सबूत लगाया, लिखा कि मैंने मुनीरे से बातचीत की तो मान गया जी चलो मैं 2 रुपये सस्ता दे दूंगा, ये उस डॉक्यूमेंटेटेड होनी चाहिए। अच्छा जी, फिर वो चीज़ आ गई गेट के ऊपर, आई गेट कीपर ने सलूट मारा, खोली, हम जाते जाके तो वैसे ही 500 हज़ार लगा देते थे, उसको खोली, वहाँ पे एक इंजीनियर इंजीनियर साहब बैठे हुए या क्वालिटी कंट्रोल ऑफिसर वो बैठा, उसने देखा ये खरबूजा ही मंगवाया था, RO वाला ही मंगवाया था, वो उसको देखेगा, सूंघेगा वगैरह वगैरह, फिर उसके अनवाइस देखेगा, बिल जो देखेगा, फिर वो कहेगा ठीक, बिल के ऊपर साइन कर देगा, चेक्ड चेक्ड, ठीक है जी, वो ऊपर साइन कर देगा। वहाँ से फिर वो एक बंदा आएगा रेडी पे, वो पेटी उठा के साहब के कमरे में लेके जाएगा या जहाँ पे भी ले जाएगा। खरबूजे की तो मैंने एग्जाम्पल दी ना, तो बैरिंग कर लें जो जहाज का डाला था 15 लाख का। अच्छा जी, वो क्या करते हैं, वो लेके स्टोर में जाते हैं जी, स्टोर वाला फिर देखता है, वो कहते हैं चेक्ड एंड वेरीफाइड एंड प्लेस्ड, चेक्ड वेरीफाइड एंड प्लेस्ड, ये मैंने खोला निकाला और उसकी दराज में रख दिया, उसके दराज में रख दिया, वहाँ से वगैरह वगैरह। ज़्यादातर ISO चीज़ें आप भी अगर खाएं, ऊपर फूड वालों में ISO लिखा ज़रूर देख लिया करें, जाली भी चल जाता मियाँ असलम बशीर जिंदाबाद, लेकिन वो क्वालिटी वाले होता, ये नहीं होता वो तंदूर वाली माई जिस तरह रोटी लगा रही आगे पीछे खुरक रही तो या कच्चों में खुरक रही, ये ISO नहीं कहता, खुरकने की जात है, लेकिन दस्ताने पाओ, खारिश करो जहाँ जहाँ होती है, फिर वो दस्ताने उतार के फेंक दो, फिर नए दस्ताने पहनो, खुरक के लिए दस्ताने पहनने हैं, तो वो फिर डिस्पोज ऑफ कर देने, ISO ये कहता है कि इसको डिस्पोज ऑफ कर देने हैं। अच्छा जी, फूड में ज़्यादा चलते हैं, और इंटरनेशनल यूरोप में भी एक्सपोर्ट वो होती है जो ISO के सर्टिफाइड हों, मसला आम आता वो आजकल आ रहा है, वो इधर मैंने कहीं देखा था, जाली होती है, वो जाली से बनी हुई होती है, कहते हैं उसके अंदर दो, क्योंकि इसके अंदर एक मक्खी आ जाती जो इधर आके हमारी शहद की मक्खियों को खाती है, वो मक्खी लड़ाकी वैसी जाटेगा, वो हम भूखा कौन सा जहाँ इंसान का गोश्त खाते हैं, वो अफ्रीका में कोई मुल्क है, इस तरह ये मक्खी जो साउथ एशिया में चलती इंडिया पाकिस्तान में, तो वो जाली में लाओ, अब चाइना सबसे आगे था, उन्हें फौरन जाली निकाल दी, यहाँ पे इतने इतने खूबसूरत बग्गू गोशे आते हैं, वो उसी जाली में पक गए, थर्मोपोर की बनी। इंडिया अमरूद भेजता है इतना बड़ा, क्रिकेट के बाल से भी बड़ा अमरूद भेजता है, कच्चा ही हरा भेजता है, जिस तरह का ये पर्दा पीछे मेरे लगा हुआ है, वो भी जाली में आता है, मैं एक आधा दाना ले आता हूँ, दांतों का मसला है तो उसके बीज भी दांतों में फंस जाते हैं, फिर मैं उसको अब थोड़ा 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 करके खाता रहता हूँ। तो ये ISO नया नहीं है, लेकिन पाकिस्तान के, मेरा ख्याल है, मैंने ये किया था मियाँ लियास में आज के चीनी एक्सपोर्ट करनी थी ना, तो वहाँ पे किया था, बड़ी मुश्किल से उसको कराया, वो पता लगा जो खुरकता आ रहा है पीछे अपने चूतड़, तो इस तरह करके वो ऐसा चक्कर नहीं है, उसको कराया तो कहता यार की मुसीबत हैगी यार करना है वगैरह वगैरह, जिसकी वजह से मजबूरन फिर क्या करते हैं, चीनी दुबई भेज देते, थोड़ा सा एक्सपेंस ज़्यादा होता ना, वहाँ से इंडिया अपने रीफिल करके, तो उस कंपनी ने ISO अपना बनाया था, पाकिस्तानी चीनी दुबई में जाके इंडिया की बन जाती, पाकिस्तानी गंदम दुबई में जाके इंडिया की बन जाती, पाकिस्तानी चावल या नमक दुबई में जाके बन जाते हैं,
या उसी कंपनी को इधर से पैक करवा के पैसा फिर इधर कस्टम वाले को देना पड़ेगा, वो करवा के टाटा वालों का नमक अगर जा रहा है तो पाकिस्तान में ही पैक हो रहा है, रिफिल हो रहा वगैरह वगैरह, क्योंकि उनकी वो ISO की मंजूर शुदा टाटा वाले जो है ना, तो वो नमक फिर पिंक नमक जाता वगैरह वगैरह। फिर एक मैंने नमक देखा इधर पैक्ड इन यरूशलम ओरिजिन पाकिस्तान, पाकिस्तान का नमक यरूशलम से पैक होके आ रहा है, पिंक उसका पिंक कलर था, तो मैं देखो ये पिंक तो नहीं है, पिंक कलर का था, कथाई रंग जिसको हम कहते हैं ना, वो नमक अभी भी लिडल के ऊपर पड़ा हुआ है, पैक्ड इन यरूशलम ओरिजिन फ्रॉम पाकिस्तान। तो ये ISO है, तो कोशिश किया करें अब ऐसा दो नंबरी गटरों से चर्बी निकाल के घी पगला के तो फिर आपको ही खिलाई जा रहे, क्या यार यहाँ पर करारो लजन ने किया हुआ था वगैरह वगैरह। बस इसी तरह वो एक जगह कहीं जा रहा था, मेरे बेटे ने कहा ये करारो लजन की बेगम जा रही है, एक बेगम इसकी जा रही है, तो आप तशरीफ फरमा के उधर को देख के चेड़ रहा था मैं जान गई। तो मैं कहा तुझे मेरा पुत्र तुझे किसे कैसे पता लगा, कह रहे मैं सोच रहा था मेरे अबू ने देखा तो ये मेरी अमीना बना दे, पाकिस्तान जिंदाबाद।